जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को यानी कि 26 सितंबर को आपका जो है एमपीटेट का एग्ज़ाम है। दोस्तों उसके लिए आपने अपना आकलन किया अभी से कि नहीं किया? दोस्तों परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। जैसे आपकी परीक्षा में 150 नंबर के पेपर आना है, वैसे ही परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं और 150 नंबर से आपके कितने नंबर आ रहे हैं इसका आकलन आप कर लें। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ये टेस्ट सीरीज लगाई है, तो आप भी परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज लगाएं और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करें तो 40% आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे के 97 आ रहे हैं, किसी के 105 आ रहे हैं, किसी के 110, किसी के 115, तो आप भी ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाकर अपना आकलन कर लें, अपनी रैंक देख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपकी तैयारी के लिए MP परीक्षा ऐप ने वीडियो कोर्स जो है जारी किया है, जिसमें आपका फाइनल रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये पूरा वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं, जो फाइनल रिवीजन है, संक्षिप्त है, मेन चीज़ है, वो चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप एक जो है वीडियो कोर्स भी खरीद सकते हैं और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करेंगे तो 40% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आपको बताना है गोल्डमैन पुरस्कार किस हेतु दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पर्यावरण सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, गोल्डमैन पुरस्कार। गोल्डमैन जो पुरस्कार है ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है गोल्डमैन पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं। तो आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, गोल्डमैन पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय हैं वो कौन कौन से भारतीय हैं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेधा पाटकर, राशिदा वी, चंपा देवी, MC मेहता और रमेश अग्रवाल। ठीक है, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए किसको गोल्डमैन पुरस्कार मिला है या फिर किसको किसको गोल्डमैन पुरस्कार नहीं मिला है। तो मेधा पाटकर, राशिदा वी, चंपा देवी, MC मेहता, रमेश अग्रवाल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इन्हें गोल्डमैन पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। ठीक है, ये जो है क्या किया जाता है, UNEP द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहां पर पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 5, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पश्चिमी घाट या फिर शांत घाटी में। ठीक है, कहां पर पाया जाता है, पश्चिमी घाट, शांत घाटी में। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण शुद्धता का प्रतीक है, क्या है प्रतीक। प्रश्न क्रमांक 6, पर्यावरण शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है प्रतीक माना जाता है इको मार्क, क्या माना जाता है, इको मार्क। ठीक है, अगला है खाद्य शुद्धता का प्रतीक है, तो खाद्य शुद्धता का प्रतीक क्या है। अभी हमने पर्यावरण शुद्धता का इको मार्क देखा, अब खाद्य शुद्धता का प्रतीक, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एग मार्क। खाद्य शुद्धता का जो प्रतीक है वो क्या है, एग मार्क। ठीक है, ABC प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, ABC प्रोटोकॉल। प्रश्न क्रमांक 8, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नागोया प्रोटोकॉल को ABC प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान क्षेत्रीय केंद्र है तो कहां है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के जो क्षेत्रीय केंद्र है वो कहां पर है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर राइट होगा कोलकाता में है, चेन्नई,
हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में, ये क्षेत्रीय केंद्र हैं। वैसे अगर बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है, तब आपका उत्तर होता है कहाँ पर, नागपुर में, ठीक है। लेकिन इसके जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वो कोलकाता में भी हैं, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाघों की गणना की जाती है कितने वर्ष में की जाती है, प्रश्न क्रमांक 10। तब आपका बिल्कुल सही आंसर कितना होगा, प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की गणना की जाती है, ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बताना है आपको, प्रश्न क्रमांक 11। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला जो देश राज्य है वो है राजस्थान। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ, तो कब हुआ, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित हुआ, प्रश्न क्रमांक 12। और राइट आंसर होगा वर्ष 2009 में, कब हुआ, वर्ष 2009 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ तो कब हुआ, तब आपका बिल्कुल सही आंसर है 1974 में, कब हुआ, 1974। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 15। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया, प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1985 में, कब किया गया, 1985। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1995 में किसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया, तो किसका नाम बदलकर कर दिया गया 1995 में, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का 1995 में नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन का, नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ, प्रश्न क्रमांक 18। तब 18 का उत्तर होगा फरवरी 2009 में, कब किया गया, फरवरी 2009 में किया गया, ठीक है। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक 19। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष कहा जाता है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में किसे लाया जाता है, पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग में लाया जाता है तो किसे लाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 20। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्लोरीन को, क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था 21, कब आरंभ किया गया था, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1997 में, ठीक है, डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया 1997 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 22, राष्ट्रीय जलीय जीव बताना है तो कौन सा है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डॉल्फिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है तो कहाँ स्थित है, प्रश्न क्रमांक 23, पोषण का राष्ट्रीय स्तर संस्थान, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर है, हैदराबाद में, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 24, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है 25,
विश्व तंबाकू निरोध दिवस। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निरोध दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ स्थित है? प्रश्न क्रमांक 26, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तो कहां पर स्थित है? 26 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है तो कहां पर अवस्थित है? प्रश्न क्रमांक 27 और 27 का आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। कहां पर अवस्थित है? नई दिल्ली। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है वह है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 28 तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। ग्लोबल 5000 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ग्लोबल 5000 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो किस क्षेत्र में? राइट आंसर होगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 5000 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है तो कहां स्थित है? प्रश्न क्रमांक 30, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है, ये स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कहां पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 31 तो राइट आंसर होगा प्राथमिक उत्पादकता। क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादकता। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। अगला है, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। यह कथन किसका है? ये परिभाषा किसने दी है? जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ये प्रश्न क्रमांक 32 का जो उत्तर है वो अर्नेस्ट हैकेल। किसने कहा ये परिभाषा दी है? अर्नेस्ट हैकेल साहब ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी की संकल्पना प्रस्तावित की गई तो उत्तर बताना है आपको। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी की संकल्पना प्रस्तावित की गई, उत्तर हो जाएगा वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा। 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी की संकल्पना प्रस्तावित की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, घास स्थल वन तथा मरुस्थल उदाहरण है तो किस चीज के उदाहरण है? घास स्थल वन तथा मरुस्थल उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 34 का स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के, घास स्थल तथा वन तथा मरुस्थल उदाहरण है तो किसके हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है तो वो तंत्र है सामुद्रिक। कौन सा तंत्र है? सामुद्रिक तंत्र है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 36, पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण आपको बताना है और राइट आंसर आपको होगा वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण माना जाता है। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं तो कौन तोड़ते हैं? निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं कौन? 37 का आंसर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अपघटक। कौन तोड़ते हैं? अपघटक। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है वे पदार्थ क्या कहे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 और राइट आंसर होगा खाद्य पदार्थ। क्या कहे जाते हैं? खाद्य पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। वे खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जीव भार का प्रामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जीव भार का प्रामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है उस पारिस्थितिक तंत्र का नाम बताना। प्रश्न क्रमांक 39। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तालाब। ठीक है, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया जल्दी से बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 40 तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण का शत्रु या पर्यावरण का दुश्मन। ऐसा भी आता है कि पर्यावरण के दुश्मन किस वृक्ष को माना जाता है, तो वो माना जाता है यूकेलिप्टस को, है ना, क्योंकि इसकी जो है अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण इसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्थिर जल के आवास को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 41 स्थिर जल के आवास को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेंटिक आवास। ठीक है, स्थिर जल के आवास को कहा जाता है लेंटिक आवास। अगला देख लेते, बहते जल के आवास को क्या कहा जाता है? बहते जल के आवास को 42 का उत्तर तो वो कहलाता है लोटिक आवास। ठीक है, बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहा जाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 43 दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 43 तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इकोटोन। क्या कहा जाता है? इकोटोन। ठीक है, हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती है या फिर बढ़ती है। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती है या बढ़ती है, 44 का उत्तर बताना है आपको। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? घटती है। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती है। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया तो कब किया गया? वन संरक्षण अधिनियम। प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं तो कौन है? चार विकल्प हैं आपके सामने, चार से एक का चयन करना है। नवीकरणीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा और वायोगैस ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है दोस्तों ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर परंपरागत जिन्हें की कहा जाता है। अब आपका एक 2011 एमपी टेट में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से बताइए कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको पता होनी चाहिए कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सीएनजी का प्रमुख संगठक कौन सा है? आपको बताना है सीएनजी का प्रमुख संगठन है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? सीएनजी का प्रमुख संगठक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 47 और आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मीथेन। मीथेन जो है ये सीएनजी का प्रमुख संगठक माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 48 का आंसर बताना है, श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 49 बिल्कुल सरल आंसर, सभी का आंसर सही आना चाहिए।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों ये सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है ऑस्ट्रेलिया, 49 का उत्तर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 50, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है। आपने पढ़ा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, लेकिन बात करें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप बताना है 51 का आंसर। किसे कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। याद रखना है सभी को, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एम्पीटेट 2011 में प्रश्न पूछा गया था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, 52 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा। फ्लोरी कल्चर संबंधित है, तो किससे संबंधित है फ्लोरी कल्चर? आपने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, हरित क्रांति पढ़ी है ना, और भी एपी कल्चर पढ़े हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, है ना, बर्मी कल्चर। तो आपको फ्लोरी कल्चर बताना है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है फूल उत्पाद से। किससे संबंधित है? फूल उत्पाद से संबंधित है फ्लोरी कल्चर। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 54 का आंसर। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों गल्फ स्ट्रीम। किसे कहा जाता है यूरोप का गर्म कंबल? गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। ठीक है, 54 का आंसर गल्फ स्ट्रीम। किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? 55। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। ठीक है, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप। अगला है सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 56, सर्वाधिक भूकंप वाला देश बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जापान। जापान दोस्तों सर्वाधिक भूकंप वाला देश है। कौन सा? जापान। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? 57। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूर्य ग्रहण। क्या कहलाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? तो किस ग्रह का घनत्व है जल से भी कम? 58 का आंसर बताना है आपको। आपने ग्रह पढ़े हैं, अलग अलग ग्रह पढ़े हैं, कौन से ग्रह का क्या रंग है ये भी आपने पढ़ा है, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा सबसे छोटा ग्रह है। लेकिन आपको बताना है कि जल से भी कम घनत्व है तो वो शनि का है। किसका है? शनि, शनि ग्रह का। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक आपको बताना है 59 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये क्या है? सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक माने जाते हैं। 59 का आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गोबर गैस का मुख्य घटक है तो कौन सा है? गोबर गैस का मुख्य घटक बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन जो है ये गोबर गैस का मुख्य घटक माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 60 का आंसर। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? 61 पूछा गया था एमपी टेट 2011 में, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों शुक्र, है ना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन। ठीक है, तो शुक्र आपका बिल्कुल सही होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है कृत्रिम वर्षा के लिए? राइट होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी यहां से बन जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
कब हुआ था ये समझौता? प्रश्न क्रमांक 63 और राइट आंसर होगा 16 सितंबर 1987 को, ठीक है। और 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस, ठीक है, ओजोन दिवस। चिकनगुनिया रोग का वाहक है, तो चिकनगुनिया रोग का वाहक कौन सा है? जल्दी से बताएं। प्रश्न क्रमांक 64, राइट आंसर होगा दोस्तों एडीज एजिप्टी मच्छर जो होता है वो चिकनगुनिया रोग का वाहक होता है। अगला है पत्तियों का हरा रंग होता है, किसके कारण होता है पत्तियों का? आपने देखे होंगे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग क्यों होता है, आपको पता होनी चाहिए। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। काय के कारण हो जाएगा? क्लोरोफिल के कारण हो जाएगा, ठीक है, पत्तियों का हरा रंग। अगला है सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता बताना है। प्रश्न क्रमांक 66, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कौन है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता है लुई पास्चर। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 67 का आंसर बताएंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक, ठीक है, कटक में है, याद रख लेना केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। क्वेश्चन है दोस्तों गाजर में लाल नारंगी रंग किस तत्व के कारण होता है? 68, लाल नारंगी रंग किस तत्व के कारण होता है गाजर में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कैरोटीन के कारण। काय के कारण होता है? कैरोटीन के कारण। महत्वपूर्ण प्रश्न है 68। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? प्रश्न क्रमांक है 69, भ्रूण विज्ञान के जनक। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भ्रूण विज्ञान के जनक हैं प्रोफेसर पी माहेश्वरी, ठीक है, प्रोफेसर पी माहेश्वरी ये भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताना हमें प्रश्न क्रमांक 70। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फीमर, जांग की जो फीमर होती है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। मूत्र का हल्का पीला रंग किस कारण होता है? मूत्र का हल्का पीला रंग किस कारण होता है? 71, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण। काय के कारण? यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग हल्का पीला रंग का होता है। किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है? प्रश्न क्रमांक 72 का उत्तर बताना है, वो रोग बताना है जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। तो 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा डेंगू रोग। कौन सा होगा? डेंगू। बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है? प्रश्न क्रमांक 73, ये मापी जाती है पोटोमीटर से। कैसे? पोटोमीटर। बाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है पोटोमीटर से। अगला क्वेश्चन देख लो, भारी जल का अणुसूत्र क्या है? भारी जल का अणुसूत्र बताना है। प्रश्न क्रमांक 74, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा H2O। ये क्या है? तो यहां पर आपको सुधारना है दोस्तों, भारी जल का जो अणुसूत्र माना जाता है वो D2O माना जाता है। क्या माना जाता है? D2O, लेकिन जल का माना जाता है तो H2O, ठीक है, ये जल का लिखा हुआ है। जल का होता है H2O और D2O ये भारी जल का अणुसूत्र है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान बताना है आपको, कौन सा होता है? 75 का शुद्ध जल का पीएच मान। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कितना? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 76, बिल्कुल सरल, सभी को आना चाहिए। तो उत्तर आपका हो जाएगा क्या? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है?
क्या था? पृथ्वी दिवस अभी अप्रैल में मनाया गया, 22 अप्रैल को, और 2020 की जो थीम थी वो क्या थी? 77वां प्रश्न है और उत्तर कमेंट में लिखना है, तो उत्तर होगा क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, पृथ्वी दिवस 2020 का थीम थी। अगला है दोस्तों, भारत का उत्तरी बिंदु बताना है आपको। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? इंदिरा कॉल जो है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। भारत का सबसे ठंडा पठार कौन सा है? 79। भारत का सबसे ठंडा पठार बताना है हमें, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लद्दाख। ये भारत का सबसे ठंडा पठार माना जाता है दोस्तों, सबसे ठंडा पठार लद्दाख। संसार की छत किसे कहा जाता है? 80 का उत्तर बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पामीर का पठार। पामीर के पठार को कहा जाता है संसार की छत। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ है? प्रश्न क्रमांक 81। तो किस देश के साथ है? बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल बताना है, 82 का प्रश्न। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा थार। थार मरुस्थल जो कि भारत में है और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल माना जाता है थार। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 83, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, खैरा किस फसल का रोग है? प्रश्न क्रमांक 84। तो खैरा जो है वो धान, किस फसल का रोग है? धान का है। ठीक है, खैरा पूछा जाता है, खैरा किस फसल का रोग है? तो ये धान का रोग माना जाता है। टिक्का किस फसल का रोग है? टिक्का। प्रश्न क्रमांक 85, टिक्का किस फसल का रोग है? उत्तर हो जाएगा आपका मूंगफली। ठीक है, मूंगफली का रोग है टिक्का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 86, विश्व गौरैया दिवस। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 87, विश्व मृदा दिवस। सही आंसर है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 88, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। किस महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? प्रश्न क्रमांक 89। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप से होकर के विषुवत, कर्क और मकर ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का जो है निस्सरण होता है? तो आपको बताना है जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? प्रश्न क्रमांक 90। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मीथेन। किस गैस का जो है निस्सरण होता है? तो मीथेन गैस का निस्सरण होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित थे। रोज 6:30 बजे इसी प्रकार आपकी क्लास निरंतर लगेगी, है ना। इंस्टाग्राम से आपको जुड़ा रहना है, सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सएप नंबर दिया है तो व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, YouTube पर सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको नीचे चैनल का नाम दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो चैनल खुलेगा, ऊपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना
और सारे के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक है। और फेसबुक पर सर्च करना है सुमित जैन, ट्विटर पर सर्च करना है सुमित जैन, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।